आज मीटिंग हुई थी, जो पदाधिकारी है कैथल ब्लॉक के वो चुने हुए हैं। बताइए कौन कौन चुनेंगे, किस तरह से क्या होगा। मेरा सभी को राम राम। मैं करमबीर सिंह, गांव मानसे सरपंच, पूरे कैथल ब्लॉक की एसोसिएशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे कैथल ब्लॉक का प्रधान चुना है। हमारे कैथल ब्लॉक में उप प्रधान चुने गए हैं गजय सिंह जी, और महासचिव हैं रामबत जी पाडला से, और गजय सिंह जी हैं देवबन से उप प्रधान, और सचिव है हमारे जसपाल कौर वाइफ ऑफ बलविंदर सिंह जसवंती से, और कैशियर रहेंगे हमारे जसवीर क्योड़क से और मनजीत बलवंती, इन दोनों में से एक कैशियर रहेंगे हमारे। तो जो सभी पद चुने गए सर्वसम्मति से या कोई किसी प्रकार का कोई इलेक्शन वगैरह जो हुआ। सभी पद हैं पूरी एसोसिएशन ने सर्वसहमति से चुने गए हैं, और पूरी एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बिल्कुल शांति प्रिय से और बिल्कुल प्यार से सर्वसहमति से सभी पद चुने गए हैं। वो उससे आगे डिस्ट्रिक्ट वाला, फिर डिस्ट्रिक्ट का कैसे चुना जाएगा फिर इससे आगे। डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के साथ ब्लॉकों की प्रधान चुने जाएंगे। 7 ब्लॉकों के प्रधान और उप प्रधान, महासचिव, सचिव और कैशियर बैठ के फिर डिस्ट्रिक्ट प्रधान चुनेंगे। आज ब्लॉक के प्रधान बनाए गए, आगे क्या एजेंडा रहेगा आपका, जो सरपंचों में क्या कुछ देखने का योजनाएं मिलेंगी। आगे हम पूरे 7 ब्लॉकों के प्रधान मिलके एक डिस्ट्रिक्ट प्रधान चुन के हम पूरी एसोसिएशन को साथ लेके हम जो भी हमारी सरपंचों की मांगे हैं उनके खिलाफ सरपंचों की मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे हम। ठीक है जी सर, अपना नाम और अपना। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजय सिंह, एक्स सर्विसमैन, देवबन से सरपंच, दूसरी बार सरपंच चुना गया हूँ, और आज जो कैथल खंड की सर्वसम्मति से हमारी कार्यकारिणी गठन किया है उसके मैं सभी सरपंचों का धन्यवाद करता हूँ। तो किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी बनेगी पूरे जिले की, डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी ऐसे बनेगी, पहले जो 7 खंडों की एसन चुनी गई है उनके द्वारा इकट्ठे होकर दोबारा उनसे चुना जाएगा। किस तरह से उनके साथ तालमेल से काम किया, तालमेल से उनके फोन पे संपर्क करके जी उनके कार्यकारिणी से रूबरू होकर उनके बाद इकट्ठे करके और वहाँ भी प्रयास करेंगे ताकि सर्वसम्मति सहमति से मतलब निर्णय हो, और उसके अंदर भी एक प्रधान चुना जाएगा, और जो भी हमारी जायज मांगे होंगी सरकार से विनती करेंगे, और लोगों ने जो जिम्मेवारी सरपंच साहिबानों को और हमारे को दी है उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और सरकार से मिलजुल कर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आमतौर पर देखा गया है कि जो सरपंच बनते हैं उनके ऊपर पार्टी जो है पार्टी हावी हो जाती है, तो क्या पार्टी की तरफ देखा जाएगा या फिर गांव का विकास या सरपंचों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे विकास करवा जाएगा। नहीं जी, कोई इसमें पार्टी नहीं है, जो चुन दिया वो सभी के लिए है, चाहे वो MLA हो जी, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर, जिला प्रतिनिधि हो, सबको समान रूप से लेकर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पार्टी बेस पर कोई काम नहीं होता।